बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। जो आइसक्रीम का मशीन है, इसमें जो छोटा सा बक्स लगा होता है जिसमें रिली और कैपेसिटर होता है, इसका कनेक्शन वायरिंग किस तरीके से होता है, इस पर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। ज़्यादा बंदों को इसको समझ में नहीं आ रहा कि इधर रिली का और ये कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरीके से होता है, और इसको जब खोल लेते हैं तो फिर समझ में नहीं आ जाता। सही है, तो इंशाल्लाह आप गौर से देखिए तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग इसको आसानी के साथ फिर कनेक्शन कर सकोगे। सबसे पहले आपने देखना, इसको जो दो वेयर हैं ये ऊपर आ चुका है, ये इसको देख लो। ये वेयर जो है ना, ये इधर से ये कंडक्टर के ये साइड में कनेक्ट है। ये जब कंडक्टर ऑन हो जाता है तो इस जो बक्स है इसमें बिजली आ जाता है, इससे बाद में ये कंप्रेसर को बिजली चला जाता है और बिजली जो कंप्रेसर है ये ऑन हो जाता है। इधर इधर वेयरिंग में कुछ गड़बड़ी है ना, तो ये इधर फिर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। जिस टाइम में इसको बिजली मिलता है तो ये कंप्रेसर को भी बिजली देता है, वो भी ऑन हो जाता है। साथ में जो ये पैन का कनेक्शन है, ये देख लो, ये जो पतला वेयर है ये पैन का है, ये भी ऑन हो जाता है इसके साथ। ये दोनों इधर NN लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। इधर एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। ओके, दोनों न्यूट्रल पे तो कोई चीज़ नहीं चल रहा इंशाल्लाह। तो ये जो होता ना, ये दो वेयर जो है ना, ये ऊपर कंडक्टर से आया है, जैसे कि कंडक्टर ऑन हो जाता है उसी टाइम इसको बिजली ये दोनों वेयरों को मिल जाता है। ये पैन जो है ना इसका, ये स्टार्ट हो जाता है। ये कंडेंसर है, ज़्यादा बंदे इसको रिलीटर भी बोलता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना होना चाहिए कि बस ये पैन है। सही है, ये पैन ऑन हो जाता है, साथ में ये दो वेयरों को कनेक्शन मिल जाता है। इधर आउटपुट आ जाता है, देख लो, ये कंप्रेसर का तीन वेयर आ चुका है इधर। सही है, ये और से देख लिए, एक रेड कलर का है। ये इधर जो है ना, इधर कैपेसिटर को आया है, ये रनिंग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ है, और ये इसके साथ ये एक वेयर इधर रिली में आ चुका है। सही है, ये रिली में कनेक्ट हो चुका है। अभी ये दूसरा जो वेयर है, ये इधर इसके साथ में कंप्रेसर का वेयर भी टच है, वाइट कलर का। जिस कंप्रेसर में जो लिखा होता है ना सी और SR, हाँ सही है, उसमें आप लोग किस तरीके से ट्रेस कर सकोगे कि कौन सा वेयर को बिजली डायरेक्ट देना है और किसको कैपेसिटर लगाना है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। मुश्किलें वीडियो देखो, आप इसको ट्रेस कर सकोगे फिर आसानी के साथ कि कौन सा वेयर जो है ना कैपेसिटर का है और कौन सा बिजली का है। लेकिन आज का वीडियो जो है ना, ये बॉक्स के बारे में है, जो इसमें रिली लगी हुई है और ये कैपेसिटर दोनों, तो ये किस तरीके से काम करता है। तो ये दूसरा वेयर जो है वाइट कलर का, ये इधर ये ब्लू कलर के साथ टच है, इधर रनिंग कैपेसिटर के साथ भी ये दो कनेक्ट हुआ है। इधर से एक वेयर निकल के आया है, ये इधर इस वेयर के साथ कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्ट है। ये कैपेसिटर जब इसको बिजली आ जाता है इधर से ये येलो कलर से, तो ये देख लो, ये इधर वापस इधर वाइट कलर को जो है ना बिजली देता है, झटका देता है। लेकिन ये इधर से ये रिली जो लगी हुई है, ये इसको डिस्कनेक्ट करता है, ये कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करता है। इस रिली के ऊपर ये छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, आप उसको गौर से देखने, क्योंकि हर रिली जो है ना सेम कनेक्शन नहीं होता, किसी में अलग कनेक्शन है और किसी में अलग कनेक्शन है, बाद में परेशानी हो जाती है। कोई बंदा बोलता है मैंने कनेक्शन कर दिया और सब कुछ ब्लास्ट हो गया, ओ तो इधर देख लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरे में आप लोग को सही दिखा रहा हूँ। ये देख लो, ये 1 लिखा हुआ है और ये 3 और ये जो है ना 2। सही है, ये इधर एक छोटा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, एक इधर ये जो ये निशान जो है ना, ये अंदर रिली का अंदर जो कोयल है, ये उसका निशान है जो रिली के बिजली हम देना है। सही है, तो ये देख लो, ये कौन सा नंबर से है, ये 3 नंबर है। सही है, 3 नंबर और 2 नंबर ये जो है ना अंदर कोयल का बिजली देना है। तो ये इधर से ये देख लो, ये ब्लू कलर का जो वेयर है ये कोयल को मिल चुका है इधर से। सही है, बाद में ये जो येलो कलर है ये रेड के साथ है इधर से, ये रेड कलर जो है ना, ये देख लो, ये कैपेसिटर ओनली कैपेसिटर को कनेक्ट हुआ है। जब इधर वापसी में बिजली मिलता है ना कंप्रेसर को, जो ये हमने दो वेयर को कनेक्शन किया, बिजली दिया, तो एक साइड में बिजली कैपेसिटर को आ जाता है लेकिन उसका एक साइड अलग ही कनेक्ट होता है, तो वापसी में इधर बिजली देता है। सही है,
बाद में ये इसका जो एक आउटपुट निकलता है, ये देखो, ये इधर ये मार्किंग जो किया है ना, ये रिली के ऊपर ये मार्किंग देख रहे हो, ये इसका यही निशान मार्किंग है कि ये पहले से कनेक्ट है। सही है, जिस टाइम इसको बिजली मिल जाता है उसी टाइम इसको ये जो पॉइंट है ना, ऐसा क्रॉस निशान बनाया हुआ है, ये इस टाइम ये नीचे आ जाता है या इधर से ऊपर चला जाता है, इस लेन से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर लेता है। सही है, इस जो बॉक्स है इसमें बस यही तरीका कार है कि ये रिली का जो है ना ये कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर ले। स्टार्टिंग के टाइम में ये उसको झटका दे, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, उसी टाइम इस कैपेसिटर को ये वेयर को इधर से काट ले, मतलब इसको यही काम है कि इसको इधर से जोड़ ले, बिजली दिया, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, तो ये वेयर को बीच में काटो, ये कट गया, हलास इसका काम खत्म। ये रिली जो है ना इसका यही काम है कि ये कंप्रेसर स्टार्ट कर लेता है, बाद में डिस्कनेक्ट कर लेता है ये इस कैपेसिटर को। समझ में आ गई, ये नहीं आएगी, मैं एक जो है ना डायग्राम भी बनाऊंगा इस पे मैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को इसमें समझ आ सके कि ये किस तरीके से कनेक्शन होता है। सही है, कोई टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप लोगों को कोई काम जो है ना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो बस इतने ही थी, और कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो इसको सब्सक्राइब की, क्योंकि आप लोगों को फिर सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यूट्यूब पे जाओगे डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि ये वीडियो नहीं आई है, आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा अगर बेल आइकन को प्रेस किया तो। आप लोगों ने ऐसा कर ले तो आप लोग इंशाल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और आप लोग आसानी के साथ काम कर सकोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।